अभी तो गुपचुप खाए हैं। अच्छा अभी गुपचुप खा लिए हैं। हे गाइस वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइस बहुत समय के बाद मैं आप लोगों के बीच में ये नया व्लॉग लेकर आया हूँ। आज इस व्लॉग में मैं आपको लेकर के जाने वाला हूँ एक मैरिज सेरेमनी पार्टी में, जो मैं अपने फैमिली के साथ में जाऊँगा। और फिलहाल मैं क्या ना कि अभी थोड़ा सा टाइम है निकलने के लिए, तो मैं भी थोड़ा देखता हूँ अपने फेस वॉश पर कुछ लगाने के लिए मैं जुगाड़ करता हूँ, और फिर जल्दी से फिर रेडी होकर के मैं मिलूँगा वहीं पे। और गाइस अभी छत पे मैं इसलिए बना रहा हूँ वीडियो ताकि नीचे जो है साउंड बज रहे हैं तो कॉपीराइट ना लगे, इसलिए मैं यहाँ पे छत पे आकर के स्टार्टिंग की वीडियो में बना रहा हूँ। तो गाइस बिना देर किए फिर चलिए लेकर के चलता हूँ। हे गाइस तो अभी आप हमारे फेस पे देख रहे हैं, मैंने इस पे लगाया था मुल्तानी मिट्टी। तो अभी मैं जा रहा हूँ इसको जल्दी से वॉश करने और जा रहा हूँ नहाने, और उसके बाद से जल्दी से हम लोग रेडी होते हैं। फिर गाइस मिलते हैं आपको डायरेक्ट वहीं पे, तो चलिए जल्दी चलते हैं। हे गाइस तो फाइनली मैं हो गया हूँ रेडी, और बस हम लोग थोड़ी देर में जाने ही वाले हैं। और सिस्टर अभी ये लोग, सिस्टर और मम्मी लोग अभी रेडी हो रहे हैं, तो फिर जल्दी से फटाक से रेडी होकर के फिर हम लोग निकलते हैं। और ये देखिए ये नैन्सी यहाँ, ये जो है ना जब हम लोग जाने लगते हैं ना, जब सब लोग जाने लगते हैं, जाने को होता है, तो ये बेचारी ऐसे मुँह बिल्कुल सैड सैड सब बना लेती है। तो अभी हम इसको थोड़ा टहलाने जाएंगे ताकि इसको कुछ जो भी करना होगा वो बाहर कर ली। हे गाइस तो अभी देखिए मम्मी भी रेडी हो गई हैं और बहन भी रेडी हो गई है, तो अभी हम लोग घर से निकल रहे हैं और जा रहे हैं वहाँ पर, सीधे मिलते हैं आपको मैरिज लॉन में। तो गाइस बिना देख के चलिए चलते हैं। हे गाइस तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, देखिए, और ये पहले मिले हमारे भाभी जी जो कि दुल्हन को सजाया है इन्होंने। तो चलिए मैं आपको दुल्हन को दिखाता हूँ, और काफ़ी खूबसूरत लग रही है और इनका जो सजावट है वो बहुत ही बढ़िया रखा है, तो चलिए मैं दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए इनसे मिलिए, ये है प्यारी दुल्हनिया, नमस्ते। और ये है दुल्हनिया की छोटी बहन, और ये एक है। तो गाइज अभी क्या ना कि अभी हम लोग फिर यहाँ से चलेंगे सीधे वहीं पे मैरिज लॉन में, और आपको दिखाते हैं वहाँ पे नज़ारा कैसा होता है। बाकी आप सामने मिरर में देख पा रहे होंगे, काफ़ी बहुत ही बढ़िया भाभी ने मेकअप बोलते हैं ना उसका हम डेकोरेशन होता है, बहुत अच्छा मेकअप कर रखा है। और इनसे मिलिए, चिंटी इनका नाम है। तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं। तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे, आप जो ये देख रहे हैं माया मैरिज लॉन है, यहाँ पे शादी हो रही है। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ये पंडित जी बैठे हैं, यहीं पे सारी ही रस्में पूरी होगी। हे गाइस तो फाइनली अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मैरिज सेरेमनी में जहाँ पे पार्टी हो रही है, और इनसे मिलिए, ये है हमारे पड़ोसी जो कि पहले ही आकर के यहाँ पे पार्टी शार्टी सब मना चुके हैं। पार्टी मना नहीं चुके हैं, क्या दिखाए अभी तो गुपचुप खाए हैं। अच्छा अभी गुपचुप खा लिए हैं, गुपचुप खा लिए, गुपचुप वही बताशा। अच्छा तो इन्होंने अभी बताशा खा लिया। तो गाइस अभी हम लोग पूरा आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं कैसा कैसा क्या है, फिर अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं किसी को लेने के लिए, तो चलिए हम आपको अलग अलग सारी चीज़ें दिखाता हूँ और सबसे मिलवाता हूँ, चलिए जल्दी चलते हैं। तो गाइस ये देखिए, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं ये मेरी माता जी हैं, और सिस्टर बाकी सब फैमिली वाले इकट्ठा हुए हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो माया मैरिज लॉन है वहाँ का डेकोरेशन है, और बाकी यहाँ पे मस्त वाला सबका डांस चल रहा है। और आपको पता है कि भाई हर एक शादियों में भोजपुरी गाना जब तक ना बजे तो वो शादी ही क्या। तो भाई भोजपुरी गाने के तो खैर बात ही अलग होती है उसका डांस। तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डांस भी करेंगे, उसके बाद सब फिर आपको दूल्हे से मिलवाते हैं। और ये देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये बैठे हैं अकेले दूल्हे राजा, जो कि अपनी साथी का वेट कर रहे हैं दुल्हन का। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर में, बस दुल्हन भी आने वाली है और आप सामने का जो नज़ारा देख रहे हैं वो कुछ ऐसा है। तो चलिए दुल्हन का वेट करते हैं। तो फाइनली अभी आ चुकी हैं दुल्हन
जो आप देख रहे हैं वीडियो में काफ़ी खूबसूरत लग रही है, और साइड साइड में दोनों सिस्टर हैं, और नहीं सॉरी तीन सिस्टर हैं साइड साइड में। और अभी क्या ना कि ये जाएंगी अपने वहाँ पे, उसके बाद से जो भी आगे का कार्यक्रम है वो होगा। ये देखो कितने बार खाएंगी आप, चौथी बार लेकर खा रही है। और ये हेल्प कर रही है। और कितना चाहिए, और कितना चाहिए आपको, और कितना और चाहिए? चार थाली खत्म, ये पांचवा है। हे गाइस, तो आपने देखा आज का ब्लॉग, और गाइस उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको वाकई में पसंद आया होगा। गाइज वहाँ पे मैं वीडियो इसलिए नहीं शूट कर पाया था कि मैं काफ़ी थक चुका हूँ, और मेरे को ध्यान ही नहीं आया कि मुझे मैं घर जा रहा हूँ और मेरे को एंड वाला सीन लेना है। तो गाइज इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और गाइज फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।